पी सेफ़ एंड साउंड माई लव आज की रीडिंग का टॉपिक है द रोमैंटिक एंड लविंग डिजायर फेंटसीज ऑफ़ योर फ्यूचर प्राउस अबाउट यू तो आपके नेम अनिशियल्स हैं पाइल वन एंड पाइल टू अपना पाइल चूज करें और मैं आप सबकी रीडिंग में मिलती हूँ आपके टाइम टू टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हेलो लवली पायल वन नंबर वन जी क्या डिज़ायर्स हैं क्या फैंटिस हैं आपके स्पाउस की आपको ले करके तो लेट मी पुल आउट स्का फिर मैं आपको बताती हूँ ओके राइट ओके सो पाइल वन आपके लिए जो uh, कहा जाए हैं वो है जी रोमांस सी विद लव एंड एप्रिसिएशन लव इज़ ऑल अराउंड यू रेस्ट एंड रिलैक्सेशन एक्शंस लव इज एवरीथिंग लव हो यू आर स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव एंड यूनियन ऑफ हार्ट वेल well, आपके पर्सन जो हैं मतलब ये ऐसे नहीं मैं कह सकती कि ये सब एक ही तरफ इनकी एनर्जी है कि मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकली चाहते हैं या वो सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं नो ये समेयर इन बिटवीन मतलब इस सारी सिचुएशन दोनों के बीच में मतलब ये ऐसा पर्सन है आपके फ्यूचर वाउस की उनको आ, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज यूनियन ऑफ हार्ट्स का कार्ड है तो मतलब वो चाहते हैं कि एक हार्ट का कनेक्शन हो दिलों का मेल हो एक दूसरे से मोहब्बत हो लेकिन बिकॉज एक्शन स्पी क्लाउडली का कार्ड है तो लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इस मोहब्बत को एक्शन में भी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए यानी कि वो उनका मतलब है कि जो मोहब्बत है ये सिर्फ दिल में नहीं रहनी चाहिए ठीक है आपको फिज़िकली भी थ्री डी में भी उसका इजहार करना चाहिए और जो काम फ़िज़िकली हो सकता है एक दूसरे को के फ़िज़िकली करीब रहकर एक दूसरे से मोहब्बत जो है वो जताई जा सकती है वो चीज़ वैसे नहीं हो सकती उनका मानना है ठीक है मतलब अगर आप ऐसा रिलेशनशिप उनसे चाहते हैं कि मैं सिर्फ दिल से मोहब्बत करती हूँ मैं दिल से ये मैं दिल से वो मैं आत्मा रूह की गहराइयों में तो नो ये पर्सन आई एम सॉरी ऐसा नहीं है इनको फिज़िकल चाहिए है इनको फिज़िकल टच चाहिए है ठीक है क्योंकि बहुत ही रोमांटिक पर्सन है ठीक है इनके डिज़ायर्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है महसूस करना आपको टच करके ठीक है ये इनकी डिजायर है ये इनकी फैंटेसी है यू कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट इट ठीक है लेकिन ये पर्सन थोड़ा लेजी है आई मे ना मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप दोनों की है उसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा इनकी ऐसी फैंटेसी है कि बहुत ज़्यादा ओवरडू एक्ट तो नहीं करना और ना मतलब कुछ लोग उतना तो झपट पड़ते हैं लाइक Uh, just like a बीस्ट या इस तरह नो no. इनको कडल्स पसंद हैं जिसकी रेस्ट एंड relaxation इज़ essential इनको पसंद है कि पहले मूड बनाया जाए एक मूड होना चाहिए स्लो एंड स्टडी सब कुछ होना चाहिए धीरे धीरे से अपने पार्टनर को ये अप्रोच करें ठीक है ये इनकी फैंटेसीज हैं तो आई थिंक uh, इनकी एक और फैंटेसी है कि मतलब ये ऐसा नहीं चाहते कि जो फीमेल है वो आ, मतलब बैट पर डोमिनेट हो ठीक है बहुत ज़्यादा एक लिमिट तक ठीक है क्योंकि ये खुद डोमिनेट है आपके पर्सन ठीक है बिकॉज इनको बहुत कुछ करना है आपके साथ और आ, मतलब ये ऐसा इनको पसंद नहीं है कि मतलब यू आर ओवर पावरिंग है उनको कुछ करने नहीं दे रही हो नो no. ऐसे नहीं है ठीक है एक और इनकी सेब जो है वो फैंटसी है कि इनको ना जो लव रोमांस के दरमियान जो बातें होती है ना वो उनको बहुत पसंद है मीठी मीठी बातें करें दोनों हस्बैंड वाइफ राइट एक मोहब्बत का इजहार ओ स्पीक लैंग्वेज ऑफ लव प्यार भरे इनको शौक़ है कि आप इनके लिए प्यार भरे लफ्ज़ों का शब्दों का यूज़ करो ठीक है क्या आपका कि okay, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं ये मैं वो इस तरह की बातें ना उनको बहुत शौक़ है सुनने का तो अगर आप इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करेंगी तो डेफिनेटली विल बी लाइक मोर देन हैप्पी और बड़े शौक से सुनेंगे आप गौर करना कि बड़े यानी कि फुल तवज्जो से फुल अटेंशन से आपकी बात सुनेंगे आप क्या कह रही हो ठीक है और ये चीज़ें इनको टर्न ऑन भी करेती करेंगी आपके जो लविंग वर्ड्स हैं उनके लिए टेंडर काइंडनेस ये ना ये बताती हूँ आपको क्या चीज है ये इनको ना पेम्परिंग चाहिए मामाज बॉय हो सकता है लेकिन इनको वाइफ में भी एक मामा चाहिए राइट मॉम चाहिए कि जो उसको पेम्पर करे उसको प्यार करे जब वो थके हारे आए ऑफिस से बाहर से तो दे विल बी somebody जो उनका इंतज़ार करे उनके लिए दरवाज़ा खोले खाना लाए उनके लिए कहे कि ओ माई लव आज तो आप बहुत थक गए हो इस तरह की इनकी फेंटिसज हैं ठीक है अच्छा जी मेकअप इनको नहीं पसंद ओवर मेकअप लव हो यू आर ठीक है तो ओवर डू इनको नहीं पसंद इनको सिंपल पसंद है सिंपलीसिटी आप सिंपल रहो आ, लेकिन ड्रेसेस इनको पसंद हैं प्यारे प्यारे यहाँ जो नाइट नाइटीज़ हैं नाइट गाउनज़ है वो इनकी फैंटेसी है आप डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल रोज पहनो डिफरेंट लॉन्जरीज डिफरेंट लाइक नाइटीज़ ये वो चाहते हैं लेकिन आ, ओवर मेकअप ओवर ज्वेलरी हैवी हैवी चीज़ें नहीं पसंद उनको ठीक है लाइट लाइट सब कुछ होना चाहिए तो बहरहाल ये इनके फैंटेसीज हैं और आ, किसी कार्ड से देख ले एक्शन स्पीक्स लाउडली में है कि लाइक ये इंसान खुद भी एक्सप्रेसिव है ठीक है अगर इसको आपसे मोहब्बत का इजहार करना है तो ये इनकी लव लैंग्वेज में फ़िज़िकली आपको बताना कि हाउ मच आई लव यू ठीक है <laughs> तो आप फिज़िकली ये कैसे बताते हैं ये डिपेंड करता है आपके पर्सन पे जहाँ yeah, ऑब्वियसली आपके दोनों के मूड पर डिपेंड करता है ये पर्सन कभी भी मैं आपको बात बता दूँ एक आपके मूड के ख़िलाफ़ नहीं चलेगा क्योंकि काफ़ी टेंटर टेंडर हार्ट है मतलब काफ़ी इनका दिल नरम है और जब तक आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता ना आपकी तरफ से तब तक ये पर्सन प्रोसीड ही नहीं करेगा क्योंकि ये नहीं कि इनको आ, ये कुछ कर नहीं सकते या उनको बड़ा ख्याल है आपका नो इसको टू ये टू साइडेड मैंने बोला है ना ये टू साइड लव पे यकीन रखते हैं ही मतलब ही कांट डू एनी थिंग अनलेस एंडल आप उनको अलाउ करो इनको मज़ा ही नहीं आएगा इनको ऐसे लगेगा मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ऐसे ऐसे क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का राइट यू आर क्वाइट लकी ग्रुप वन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस और क्या फैंटेसीज है इनकी नो इज गेटिंग डेंजरस अब अब ये थोड़े से डेंजरस हो रहे हैं अच्छा जी और फैंटेसीज आई है इनकी निकल गए बाहर उमड़ गए <laughs> जी अकेलापन इनको बड़ा पसंद है आई I मीन mean, प्राइवेसी एक्सट्रीम फैंटसी है आप दोनों तो प्राइवेट हो एक रूम में और रिट्रीट का है ना डिसकनेक्ट द वर्ल्ड तो इनको पब्लिक रोमांस नहीं पसंद ठीक है पब्लिक में मतलब अक्सर कपल्स होते हैं पब्लिक में शो कर रहे थे ये वो नो इज़ अ प्राइवेट पर्सन को पसंद है कि प्राइवेट लाइफ जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए आ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये ना आ, मैं बताऊँ पब्लिक में बहुत ही शरीफ लगेंगे सबको कि भई इसने तो पता नहीं कुछ किया भी होगा ज़िंदगी में कि नहीं लेकिन प्राइवेट लाइफ में ओनली यू नो कोर्स कि बहुत बड़ा फ्लर्ट है ये बहुत बड़े आई I मीन mean, डैशिंग है ठीक है तो न्यू लव है कोर्स इनको हर रोज़ एक नई तरीके से आपको प्यार करना जो है आई मीन न्यू लव एंड यू नो डिफरेंट पोजिशंस डिफरेंट स्टाइल्स आपके लिए हर रोज़ एक नया सरप्राइज हुआ करेगा डोंट वरी तो ऐसे ही ये पर्सन है ठीक है और स्पेशली uh, आपको हक करना ना इनकी एक फेंटिसी है आपके बालों की आपके बालों को हाथ लगाना उनको उसमें हाथ फेरना इनको बहुत पसंद है दूसरी इनकी जो मेन चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर आपको देखना ड्यूरिंग यू नो दैट प्रोसेस ठीक है बिकॉज uh, हो सकता है आप आंखें बंद कर लें लेट मी शो यू कैमरा फोकस अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कि uh, आप आपकी आंखें बंद हो सकती हैं लेकिन ही विल बी कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट यू विद सो मच इमोशंस एंड लव ठीक है तो ये है ठीक है बाकी एक और इनकी फैंटेसी है कि उनका उनको पसंद है आप उनको किस करो दिस आप इनको किस करो और ये आराम से मज़े लें उस किस के ठीक है तो ये इनकी एक फैंटेसी एक और भी निकल करके आई है तो बहाल ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं ना तो ये बहुत ओवर डू आपके साथ करेंगे और ना ही आपको ओवर डोमिनेंट होने देंगे ख़ुद पे तो कुछ दरमियान के सिचुएशन है आई थिंक इट्स ए ब्यूटिफुल एनर्जी बैलेंस है लव है और आ, बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार है एक दूसरे के लिए आ, आपके लिए लव मैसेजेस इनकी तरफ से हैं आई एम डैम हंग्री ओ my गॉड हंग्री फॉर यू ओके लव at first साइट ओके एक बेबी गर्ल है आपकी किस्मत में दोनों के क्यों हम साथ नहीं आपको मिस करते हैं ये रिश्ता कब भेजूं फिर ओके okay, यार रिश्ता भेजने को तैयार है अगर आप किसी को डील कर रहे हो आई लिटरली लॉस माई माइंड वैन यू डोंट पिक अप माई कॉल मेरी कॉल नहीं उठाती हो तो कहते हैं दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है आई लव यू टू द मून एंड द बैक कि अगेन बेबी गर्ल की एनर्जी आई है गाइज आई थिंक प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड है अर्ली और ये um, कह रहे हैं कि आई विल प्रेफर बेबी गर्ल ओवर बेबी बॉय बिकॉज शी विल रिमाइंड मी ऑफ यू कि मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी ओके okay? तुमने मुझे जिंदगी का मकसद समझाया है लव्स यू आई लव योर हैंड्स आपकी जो uh, हाथ है ना वो इनको बहुत पसंद है किधर गया ओके आई लव योर हैंड्स ओके आई एम अफ्रेड ऑफ योर मम्मी हाँ कि मम्मा से डरते हैं आई मिस यू डू यू मिस मी टू ब्लैक रियली सूट्स यू सो मे बी वेडिंग नाइट पर आप को वो कहीं के ब्लैक कलर का नाइटी रखो ओके आई सी यू इन माई ड्रीम्स ऑफ टेन अक्सर आपको भी अपने ख्वाब में देखते हैं मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और आगे दिन ब दिन और भी करता रहूँगा तुम ऐसा गुलाब हो जिसकी खुशबू जो है ना कभी ख़त्म नहीं हो सकती टर्नल लव है भाई या यू आर माई अनकंडीशनल लव फाइनल मैसेज हम देखेंगे यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम खैर यू आर सो स्वीट आई थिंक वेल दिस योर रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो अपना ख्याल रखना टेक केयर हेलो एंड वेलकम पैल टू हो वह आपके पर्सन के रोमेंटिक लव डिज़ायर्स एंड फैंटसीज क्या है लेट मी पुल आउट का ओके ऑल राइट एंड आपके पास है लव इंडर्स एंड टेक अ चांस लव ओके गाइज सबसे पहले आपके पर्सन का ये बता दूं मैं हिसाब आपके पर्सन इज़ अ बिग ड्रीमर काफ़ी इमोशनल पर्सन है और इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रोंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है ओके okay. इनकी लाइफ में इनके माइंड में एक ऐसी चीज़ रहती है कि लाइक like, ये इंसान हमेशा सबसे पहले इसको जो भी करना है इसको इमेजिन करता है ठीक है तो इसकी इमेजिनेश इमेजिनेटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर के ये इमेजिन करते हैं डे ड्रीमिंग करते हैं कि माइंड में जो जो भी फैंटसीज थॉट्स चल रही होती हैं ये उनको लेकर के काफ़ी हद तक सीरियस होंगे और काफ़ी हद तक मतलब ख्यालों में ना कहाँ के कहाँ काँग पहुँच जाते हैं ठीक है लेटे लेटे या बैठे बैठे तो एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हीयर एक तो उनकी फैंती सी ये है कि ये पर्सन वो आपको इमेजिन करते हैं अगर आप दोनों इकट्ठे नहीं हो आपको इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ हो ठीक है ख्यालों में तो अपनी इमेजिनेशन में वो आपको ऐसा फील करते हैं एज अ वाइफ या पार्टनर या जो भी तो उनको पसंद है कि जैसे वो लेटे हुए हैं बेड पे तो वो इमेजिन करेंगे सबसे पहले तो कि आप उनके साथ लेटे हुए हो ठीक है और आप दोनों तो कडल्स कर रहे हो लव कर रहे हो मोहब्बत कर रहे हो दूसरे से रोमांस कर रहे हो किस कर रहे हो हक कर ठीक है दूसरी चीज़ मैं आपके पर्सन की फैंटेसीज़ में बता दूँ कि ये पर्सन ना इनके ना थोड़ा पर्सन थोड़ा एक्सट्रीम है एक्सट्रीमिस्ट है अपनी सोचों में और ये मैंने बताया दिमाग में कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है तो इनका ना एक थोड़ा हीरो एक टाइप पर्सनैलिटी है जैसे हीरो होता है ना अब मैं अजीब से इनके माइंड में से चीज़ें निकल के आ रही हैं लेकिन दिस इज़ रियलिटी जैसे आपने डिज्नी या मूवीज़ में या नॉर्मल भी आपने देखा होगा जैसे हीरो होता है उसके हीरोइन है या प्रिंसेस है वो मुश्किल में होती है वो जा के उसको बचाता है ले कर आता है उसके घर वालों से लड़ता है उसके दुश्मनों से लड़ता है राइट तो लव एंड एंडोर्स मुझे हंसी आ रही है लाइक क्या क्या सोचते हैं तो उनको ना इनके माइंड में ऐसा होता है या आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि वाकई कोई रुकावटें हैं मुश्किलें हैं उसका हल ढूंढते रहते हैं मैंने इन लोगों को कैसे फाइट करना है कैसे मनाना है एनी कुछ भी है इनके माइंड में ये चीज़ चलती है कि आपको बाय हुक्स और बाय क्रोक्स ज़बरदस्ती हो आसानी से हो जो भी हो आपको पाना ही पाना है उसके ये रस्ते तलाश करते रहते ठीक <laughs> है तो उनके माइंड में ये होता है कि मैं मैंने बहुत मुश्किल से इसको पाया और फिर मैंने ज़ोर का उसको हक किया फिर हम दोनों रो रहे हैं मिल के इकट्ठा खुशी के आंसू ये इनकी एक माइंड माइंड में है आई थिंक इन्होंने कभी आपको नहीं बताया होगा ये कोई इतनी बताने वाली बात भी नहीं है लेकिन मैं हूँ ना आपको बताने के लिए <laughs> तो ये ऐसा इनके माइंड में कुछ चलता है एनीस स्पिरिचुअल कनेक्शन अगेन एक आत्मा लेवल पर सोल लेवल पर कनेक्शन है एंड आई थिंक ये पर्सन इज़ योर सोलमेट और आई थिंक आपने और भी लाइव एक दूसरे के साथ स्पेंड की हैं और यही वापस से मुड़ के आपके लाइफ में आएंगे आई थिंक ही इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम फॉर बहुत दूर से आपको देख रहे हैं और एक आत्मा का संबंध है एक दूसरे के रू में आप लोगों ने झाँका हुआ है एंड देर इज एन इंस्टेंस कनेक्शन ओके ये कनेक्शन को यू कॉन्ट डिफाई द बाउंड्रीज यू कॉन्ट लाइक गेट आउट ऑफ दिस कनेक्शन ईजीली एलिमेंस लाइक एट एक्ट्स लाइक इनकी एक फैंटसी है एक और कि ये ये नहीं चाहते कि आप शर्माओ चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह ही एक्ट करो आप ही बोल्ड हो आप ही अपनी फैंटेसीज़ का इजहार करो उनके आगे कि आपको ये चाहिए आपको किस चाहिए आज आपने लव मेकिंग करनी है नहीं करनी है। आप अपनी मूड का इजहार करो उनके सामने ये वो चाहते हैं ऐसा उनके माइंड में नहीं है कि सब वही कहते रहे हम मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ मेरे को किस तो मेरे को हक करो नो ही वॉन्ट्स कि आप भी बताओ उनको कि मुझे को ये चाहिए और ही विल बी लाइक वेरी एक्टिव एकदम से लाइक लाइक यू मेरे योर इमोशंस एकदम से वो आएंगे आपकी डिज़ायर पूरी करने वो बहुत खुश होंगे कि आपने उनको बताया है ठीक है अपनी ख्वाहिश का तो देखा वी अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफस एंड बी एक्सेप्टेड बहरहाल इनकी ये फैंटेसी है कि आप ही कभी कभी लीड लो आप ही कभी कभी डोमिनेंट हो आप ही कभी चार्ज लो और उनको बताओ कि ऐसे नहीं ऐसे करना है ये करते हैं आज ये पोजिशन ये स्टाइल ये सब चीज़ें ठीक है आपके मुंह से सुनना उनको बहुत पसंद है और उनको बहुत बोल्ड लगता है ये सब करना तो बहरहाल जो भी है फ़ोकस ऑन लव फोकस जो है इनका मोहब्बत और रोमांस पे ही हमेशा से है और हमेशा ही होगा तो बहरहाल आपसे प्यार भरी बातें करना स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव मोहब्बत भरी बातें कडल्स के दौरान लव के दौरान करना और आपको बताना कि आपसे कितना प्यार करते हैं ये भी किंग की फैंटेसी है ओके ड्यूरिंग दैट प्रोसेस तो वो चाहते हैं कि उस दौरान भी आप जो हो um, उनको बताओ या ये वो आपको बताएँ कि हाउ मच यू आर इंजॉइंग हाउ मच यू आर लाइक कंफर्टेबल विद हिम ठीक है और देख जी प्राइवेसी डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इनको रोमांस में प्राइवेसी पसंद है एक्सट्रीम किस्म की और ये भी हो सकता है कि उनकी एक फैंटेसी हो कि कभी कभी वीकेंड पर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो आपको लेकर के किसी होटल में चले जाएं या किसी प्राइवेट प्लेस पर कोई और घर हो यहाँ और कोई ना हो तो आप दोनों के अलावा ऐसा भी वो इमेजिन करते हैं अकेला रहना आपके साथ वक्त गुजारना रोमांटिक फीलिंग्स आपको किस करना और टच करना स्पेशली इनको एक ऑब्सेशन होगा आपकी कॉलर बोन्स से कॉलर बोन्स यू you नो know, ब्यूटी बोन्स भी इनको कहते हैं फ्रंट के जो शोल्डर नेक के ऊपर जो लाइक होती हैं दो एक प्रोमिनंट सी आपको पता ही है कि इसके बारे में बात कर रही हूँ वहाँ पर किस करना वो देखना ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद रहेंगी बैक साइड से किस भी इनको पसंद हो सकती आप है आप जैसे खड़े हैं मिरर के सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने या किचन में तो पीछे से आकर कैसे एम्ब्रेस करना आपको हक करना पसंद है एन yes, दूसरा सोलमेट कनेक्शन आया है कार्ड तो काफ़ी प्रेयर्स एफर्मेशन और काफ़ी विजुअलाइजेशनस के बाद ये पर्सन आपको मिला है या ये ऐसा है इनको जी कभी भूल कर भी एक्स का जिक्र मत करना के सामने या बिग टर्न डाउन टर्न ऑफ ओके तो वो भी नहीं करेंगे अपने एक्स का कभी भी जिक्र <coughs> ओके <coughs> फिनेस एंड करियर एंड डिसेप्शन गाइज hmm. uh, अगर आपको रोल प्ले का बारे में पता है अगर नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ये एक इनकी फैंटेसी है रोल प्ले तो ज़्यादा मैं उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसीज़ बट ये भी उनकी एक फैंटेसी है बहुत बड़ी ठीक है बिकॉज़ आई एम सींग समीफ फियरिंग मास्क व हीर और um, लाइक एक कैरेक्टर में आ करके आप समझ लें मतलब एज एफ uh, कोई कैरेक्टर प्ले करना जैसे वो आपके झूठ मूठ का ऐसे बन जाना एज इज़ योर बॉस आर हिज सेक्रेटरी और आप दोनों के दरमियान अफेयर हो गया एंड दैन जिन्होंने चीज़ें प्रोसीड करती गई यहाँ फिर एनी अदर थिंग डिपेंड करता है कि वट इज़ द मूड अक्सर लोग तो कॉस्ट्यूम्स भी खरीद लेते हैं <laughs> चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आगे जा रही हैं लेट्स मूव ऑन लव मैसेजेस बड़े रोमांटिक है भैया आपके पर्सन क्यों हम साथ नहीं हैं मिसिंग यू बच्चे के जान लोगी क्या आई थिंक आपका काफ़ी डोमिनेट हो वाइल्ड आई वॉन्ट टू बी डैड ओके क्रिकेट वर्सेस ड्रामास क्रिकेट लवर होगा और आप ड्रामा लवर जो ड्रामास लगते हैं आई एम वैम हंग्री ये हंगरी वो वाला हंगरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं आई I मीन mean, खाने वाला किसी और चीज़ के लिए हंग्री है, ठीक है बिकॉज ये जो उनकी दांतों वाली स्माइल है ना ये बता रही है कौन सा वाला हंगरी है ये <laughs> <laughs> ओके कह रहे हैं कि ठीक है मैं इतना ज़्यादा एंडसम नहीं हूँ लेकिन मैं तुमसे बड़ी सच्ची सच्चा प्रेम करता हूँ अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती बहुत हो गया आप सॉरी माई थ्रॉट इज नॉट वर्किंग वेल लॉन्ग ड्राइव इन अ रेनी डे ये भी इनकी फैंटेसी है लॉन्ग ड्राइव इन अ रेनी डे वाह मेक रहना ब्लैक कलर आप पे सूट करता है काफ़ी कह रहे हैं आपको आई एम ए फ्रेंड ऑफ योर मॉम के घर वालों से डरते हैं भैया तुम क्यों इतनी स्पेशल हो मेरे लिए वाई वाई पागल तेरे सिवा मेरा है ही कौन यू लड़ा ना कर मेरे से ओ सो सोट लड़ाई मत किया करे पायल तो प्लीज तुमने मुझे जीना सिखाया है यू डोंट शो ऑफ लाइन आई लाइक इट कहते हैं तुम ना वो नहीं हो ओवर शो करना शो बाज नहीं हो मुझे बड़े पसंद है तुम्हारी एनर्जी मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा जो है प्यार करूँगा अनकंडिशनल लव हो तुम उनका ओके okay. इतना फासला क्यों है हमारे बीच आई थिंक इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए और रिश्ता कब भेजू फिर आई थिंक ये रिश्ता भेजने का सोच रहे ऑफिशियली सो दिस वॉज रीडिंग यू आई यू कैन सब्सक्राइब एंड टिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय